डाटा लोडिंग लेके ओपन हो चुका है। देखिए यह गाड़ी इनके नाम पर है और देखिए यहाँ पर बता रहा है कि इस गाड़ी का एज कितना हो गया है, देखिए 2 साल 9 मंथ 7 डे। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको किसी भी गाड़ी के नंबर से उस गाड़ी के सारे डिटेल को कैसे निकालते हैं इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में डीजल और पेट्रोल से चलने वाले सभी गाड़ियों के नंबर से ही उस गाड़ी के डिटेल को कैसे निकालते हैं इसी के बारे में बात करेंगे और साथ में ये भी जानेंगे किसी भी राज्य और सिटी के पेट्रोल और डीजल का रेट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं? नहीं, दिल से बुरा लगता है। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए ऑल कीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगा। चलिए हम बता देते हैं आपको कौन सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और उसे यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले अपने प्ले स्टोर को ओपन करेंगे और जैसे हमारा प्ले स्टोर ओपन होगा इसमें हम सर्च करेंगे कार इन्फो। चलिए हम कार इन्फो सर्च कर लेते हैं। जैसे ही आप कार इन्फो सर्च कीजिएगा आपको सबसे ऊपर ये एप्लीकेशन मिल जाएगा, RTO व्हीकल इन्फॉर्मेशन एप्स। तो इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। तो चलिए हम इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके देखते हैं और उसके बाद के आगे का प्रोसेस देखेंगे कि कैसे करना है जिसे सारा डिटेल हमें आसानी से मिल जाए। तो देखिए हमारा ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो रहा है, देखिए हमारा ये एप्लीकेशन इंस्टॉल भी हो चुका है, हो रहा है अभी। जैसे ही आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल होकर हो जाएगा उसके बाद से इस एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा और जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा कि इस एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर बोल रहा है लॉगिन करने के लिए, तो लॉगिन करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ सब कट कर दीजिएगा और कट करने के बाद आपका एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा। देखिए यहाँ बता रहा है बिहार के पटना का पेट्रोल का रेट अभी 104 रुपये 31 पैसा है और डीजल का 95 रुपये 57 पैसा है। आप जिस भी सिटी का पेट्रोल या डीजल का रेट देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा है चेंज सिटी, इस पर आप टच कीजिएगा और यहाँ से देखिए यहाँ पर बहुत सारा सब राज्य यहाँ पर आ गया है। आप जिस भी राज्य का देखना चाहते हैं, ये बिहार यहाँ पर है तो हम बिहार पर टच करेंगे, उसके बाद से बिहार के सारे सिटी का यहाँ पर आ गया है। आप जिस सिटी का भी देखना चाहते हैं उस सिटी को आराम से यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए अपने मेन टॉपिक पर बात करते हैं कि हम किसी भी गाड़ी के नंबर से उस गाड़ी का डिटेल कैसे पता करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है RC सर्च, आपको इस पर टच करना है और आपके पास जो भी गाड़ी का नंबर है उसे यहाँ पर इंटर करना है और यहाँ पर सर्च करना है। चलिए मेरे पास एक गाड़ी का नंबर है उसे इंटर करके यहाँ पर सर्च करते हैं। चलिए यहाँ पर गाड़ी का नंबर इंटर करते हैं और उसके बाद से यहाँ पर देखिए सर्च का ऑप्शन दिया है, इस पर हम सर्च करेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा और उसके बाद एड आएगा तो एड को कट कर दीजिएगा। देखिए हमारा लोडिंग ले रहा है और डाटा लोडिंग लेके ओपन हो चुका है। देखिए यह गाड़ी इनके नाम पर है, देखिए इस गाड़ी का सारा डिटेल यहाँ पर खुल के आ गया है। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से आप गाड़ी के सारे डिटेल को देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर बता रहा है कि इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कब हुआ था और देखिए यहाँ पर बता रहा है कि इस गाड़ी का एज कितना हो गया है, देखिए 2 साल 9 मंथ 7 डे। क्या आपको अपना एज पता? आपको अपना एज भी ईयर मंथ और डे के रूप में नहीं पता होगा, यहाँ पर गाड़ी का एज ईयर मंथ और डे में बता रहा है। इस प्रकार से गाड़ी के सारे डिटेल को आराम से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिया है, यहाँ पर गाड़ी का कलर देख सकते हैं, गाड़ी का वजन देख सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए यहाँ पर बता रहा है इसका कहाँ का एड्रेस है, उस एड्रेस को देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर बता रहा है चेक चलान, अगर इस गाड़ी पर कोई चलान होगा तो यहाँ से आप आराम से चेक कर सकते हैं। इस पर टच कीजिएगा, फिर से यह कुछ लोडिंग वोडिंग लेगा और उसके बाद से देखिए ओपन हो रहा है और यहाँ से देखिए यहाँ बता रहा है इस गाड़ी पर कोई चलान नहीं है। देखिए लिखा है नो चलान फाउंड, यानी इस गाड़ी पर कोई चलान नहीं है। इस प्रकार से यहाँ से आप किसी भी गाड़ी के नंबर को इंटर करके उस गाड़ी के सारे डिटेल को आप आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए ऑल कीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलता रहे।